नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो लाभकारी लग रहे होंगे और अभी तक हम समझ ही चुके होंगे कि अपने आप को घाटे से बचाना सबसे लाभकारी सिद्ध हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कोई भी इंसान ऐसा काम कैसे करने के लिए तैयार हो सकता है जिसमें उसको पता है कि वो किसी का घाटा या नुकसान कराने जा रहा है। हमने कुछ सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से बात करते हुए ये समझा कि ज़्यादातर लोग इसे अपनी मजबूरी बता देते हैं। यह कहते हैं कि उनको घर चलाने के लिए जो भी काम मिले वो करने के लिए तैयार हैं, और काम तो उनका है नहीं ना, वो तो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। उनको जो भी करने को कहा जाएगा वो करने के लिए मजबूर हैं। क्या यह इतना आसान है? और अब इस बात की जिम्मेदारी परिवार वालों पर भी जाती है कि वो ज़रूरतों का बोझ इतना ना डालें कि जिम्मेदार इंसान यानी कमाने वाले को मजबूर कर दे गलत लोगों के साथ गलत कामों में पड़ जाने के लिए। ये सोच हमें एक नए आयाम पर लेकर आती है। नौकरियां, जो कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, उसमें भी धोखाधड़ी हो गई है। यकीन करना मुश्किल है ना, पर हम ये दस्तावेजों के बिना पर कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। कोई भी आदमी अगर नौकरी पाने का इच्छुक है तो किसी न किसी जॉब पोर्टल पर रजिस्टर्ड तो होगा ही। अब अगर सामने से कोई आके बोले, वो भी एक ईमेल में, कि आपकी उपलब्धियां तथा शिक्षा उनको पसंद आई और नौकरी पाने के लिए वो कुछ सवाल करे, तो क्या आप सोचेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी वेबसाइट देखेंगे, और अगर वो अबू धाबी की सरकारी कंपनी का नाम होगा तो आप तो फूले नहीं समाएंगे, बस आप उनके सवालों का जवाब देने बैठ जाएंगे। लो भाई, फंस गई मछली। ये तो एक फंसाने का पहला कदम था। कुछ दिन रुकेंगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया किस्म से लिखा हुआ ईमेल आ जाएगा, और उससे भी बढ़िया अटैचमेंट में 5 सफ़े का ऑफर लेटर जिसमें वाटरमार्क पेजेस और कंपनी लेटरहेड पे स्टैम्प्स के साथ सब कुछ लिखा होगा। आपने जिन चीज़ों की फरमाइश की थी उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़िया सैलरी और इमोलमेंट्स। बस अब क्या, आपके पांव जमीन के ऊपर, बड़ी पोजीशन है, और आप बीवी बच्चों को बताने के लिए बेताब हो जाएंगे, और वो ओवरसीज बसने के सपने देखने में। एक और खुशखबरी ये है कि ज्वाइनिंग डेट तो बहुत ही पास है, सब कुछ करना है बहुत ही जल्दी में। वेबसाइट हम देख चुके हैं, ऑफर लेटर सामने पड़ा है, कोई शक की गुंजाइश नहीं, पर यही समय है परिपक्वता दिखाने का, हर एक चीज़ को दोबारा से ध्यान से देखने और समझने का। ऑफर लेटर में सब कुछ बड़े अच्छे से लिखा है और बहुत बढ़िया लिखा है, और साथ में यह भी लिखा है कि आपको कुछ एडवांस भेजा जाएगा अपने वहां पहुंचने के खर्चे उठाने का, और साथ में यह भी लिखा है कि एजेंट की फीस आपको भरनी पड़ेगी जो कि आपको पहुंचते ही रिफंड कर दी जाएगी, और ये फीस छोटी मोटी नहीं होने वाली है। अगर आपने इस बात को अपने दिमाग में छुटला दिया तो समझ लीजिए कि आप धोखा खा गए। आप दोबारा से देखो कि इस बार उन्होंने एक वेबसाइट डिटेल भेजी है। आपने जो वेबसाइट देखी थी वो एक अबू धाबी के गवर्नमेंट कंपनी की थी। अब ये वेबसाइट एड्रेस देखो तो एकदम हूबहू, पर ये उस कंपनी की वेबसाइट नहीं। ध्यान से देखो तो कई सारी खामियां आपको इस वेबसाइट के हर पेज में देखने को मिलेंगी। अब आपके पास क्या उपाय है? पुलिस के पास जाने का, पर क्राइम तो हुआ ही नहीं। पैसे भेजने के बाद पुलिस के पास जाने का, जी हाँ, वो उपाय है, पर ऐसी कितनी ही कंप्लेंट्स इंटरपोल और क्राइम डिपार्टमेंट के पास पड़ी होंगी, और आपके पैसे तो वापस आने से रहे। इन लोगों को पकड़ना तो दूर, उनको भनक मिलते साथ ही वो अपनी टारगेट कंपनी और क्लाइंट बेस दूसरा बना लेंगे और किसी और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की फिराक में
शुरू हो जाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि हम अपने आप से पूछते रहें कि क्या कुछ मेरे साथ गलत तो नहीं हो रहा, खास तौर पे उस समय जबकि सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा हो। आखिरी शब्द यही कहूँगा कि हमको अपने साथ, अपने दोस्तों और फैमिली को भी लालच से बचाकर चलना पड़ेगा। हमारा अपना आत्मसम्मान ही हमारी सबसे बड़ी जिंदगी की पूंजी है। धोखा खाना अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाने जैसा ही है। दो प्रश्न अपने आप से और हम कोई भी गलत कदम उठाने से बच सकते हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। जल्दी ही हाजिर होता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।